मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी मनीषा अहलावत के मुख्य चुनाव कार्यालय का आज शुभारंभ हो गया। इस मौके पर मनीषा अहलावत ने कहा कि क्या उन जैसे पढ़े लिखे लोगों को कभी राजनीति में आने का मौका नहीं मिलेगा? क्या जनता हमेशा बिल्डर, माफिया आदि को ही चुनती रहेगी? कैंट की जनता इन सब से आजीज आ चुकी है। 20 साल से एक ही पार्टी विशेष का कैंट विधानसभा सीट पर कब्जा है, लेकिन इन सालों में इन लोगों ने क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर दिखाया। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए देखते हैं क्या कहा है मनीषा अहलावत ने। हमारा आज कार्यालय का उद्घाटन है, ये कार्यालय तो आज खुला है, लेकिन हमारा जो प्रचार है, जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, वो तो पहले दिन से ही शुरू हो गया था और हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़े हुए हैं, तो आप जानते ही हैं। तो ये तो आज ये कार्यालय का उद्घाटन है, लेकिन प्रचार तो ग्राउंड पे पूरे जोर शोर से चल रहा है। मैडम, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, जितना मैं अभी घूम रही हूँ और तो कई सारे लोकल मुद्दे हैं, जैसे सड़कों का बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत बड़ा इशू है। मैं मतलब हैरान हूँ देखकर कि एक विधायक रहे हैं 20 साल में, तो आप जानते हैं पूरा शाहजहाँ ने पूरा दिल्ली बसा दिया था, और यहाँ पे सिवाय कचरे के ढेर के कुछ नहीं है। क्या कोई पार्क बना हो सुंदर सा? अगर रेजिडेंट्स ने अपने मोहल्ले में खुद बनवा लिया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से विधायक की जो निधि आती है उसमें से कोई काम नहीं हुआ है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और ख़ासकर इस माहौल में जहां महामारी फैली हुई है, इतना कचरा लोगों के घरों के आसपास होना एक खतरे की घंटी है। तो सबसे पहला मेरा ये रहेगा मुद्दा कि ये शहर साफ हो, सड़कें ठीक हों, यहाँ का ट्रैफिक ठीक हो, महिला सुरक्षा, उसके बाद तो लोकतंत्र में यही सबसे खराब बात है कि एक पार्टी का गढ़ नहीं होना चाहिए। मैंने कहीं पर सुना है कि रोटी अगर लटती पलटती रहे तभी सिकती है, तो हमें ये रोटी इस बार पलटनी है और अच्छे से सेकनी है जनता की। क्या राजनीति में वही लोग आएंगे जो हमेशा जनता के सामने खड़े रहते हैं? क्या मेरे जैसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोगों को मौका नहीं मिलेगा कभी? या ये धनी बिल्डर माफिया हमेशा अपना नेता मानेंगे? तो मेरे ख्याल में ये जनता अब जान चुकी है, जाग चुकी है, और मेरे जैसे साफ छवि वाले पढ़े लिखे जो बोलते कम हैं, बैकग्राउंड में ज़रूर रहते हैं, हम कैमरा नहीं रखते अपने ऊपर, हम काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को राजनीति में आने का मौका अब मिलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। और हाँ, कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है, ऐसे में बेहद सतर्कता की आवश्यकता है। सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।